हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो मैंने रिसेंट आज ही के दिन करवाई अपनी गाड़ी में, और ये है इसके कैलिपर को लेके। तो अगर आपके पास मारुति की वैगन आर है, स्विफ्ट है या ऑल्टो है, इनमें बहुत ज़्यादा एक इशू आता है इसके कैलिपर को लेके। तो हर सर्विस में क्या आप लगा लो, हर 3-4 हज़ार किलोमीटर में इनके कैलिपर बोलने लग जाते हैं, आवाज़ आती है गाड़ी के फ्रंट वाले टायर से। तो कई बार इसके मैंने कैलिपर चेंज करवा दिए, 400-500 रुपये का खर्चा आता है, वो पिन डलती हैं, बट फिर भी आवाज़ हमेशा रहती है नॉइस में। तो आज ही मैं जब सर्विस करवा रहा था अपनी गाड़ी की, तो उन्होंने मुझे एक जुगाड़ बताया, इसका जुगाड़ तो नहीं कहूँगा मैं उसे, एक टेक्निक बताई है कि जो इसका कैलिपर रहते हैं उसको लेथ मशीन वाले के पास जाओ, उससे वेल्डिंग करवा लो, उनको सही तरह मोटे करवा लो, और वो उसको मोटे करने के बाद जो आपके कैलिपर होंगे वो उनकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनमें से आवाज़ भी बहुत कम आ जाएगी। और जो खर्चा आता है 250 रुपये करीब है, गुड़गांव में मैंने 250 रुपये दिए हैं और उन्होंने दोनों कैलिपर को वेल्डिंग कर दिया उनका, और मोटे बन गए, यानी जो उनका उसका छेद आता है जिसमें कैलिपर पिन डलती है उसमें वो एकदम एग्जैक्ट फिट हो रहे हैं, और अभी तक इसकी नॉइज़ बिल्कुल जीरो हो चुकी है, एकदम नए जैसा हो चुका है। और उन्होंने ये भी बोला है जो मिस्त्री जिसने काम किया है कि ये नए से भी बढ़िया हो जाएगा और इसकी लाइफ अच्छी होगी। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं कैलिपर की आवाज़ से अपनी गाड़ी के फ्रंट वाले टायर से, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग के थ्रू। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।